पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा पुराने प्रकरण में लंबे समय से चल रहे फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर जिले के थाना चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश देकर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में साइबर सेल के अधिकारी कर्मचारी को भी नियुक्त किया गया है। इसी के तहत आस्था थाना पुलिस ने वर्ष 2021 के पुराने प्रकरण के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी लिबिन केरकेटा अपनी माँ व बहन को घर से निकालने के लिए उनके साथ मारपीट कर तलवार से हमला कर घायल करने के बाद 2021 से फरार हो गया था। आरोपी कुछ दिन पूर्व अपने ससुराल सिगीटाना थाना लखनपुर आया था। आरोपी को भनक लगी कि पुलिस तलाश कर रही है। वह पुनः पंजाब जाने के लिए रात्रि में अंबिकापुर से बनारस वाली बस में पंजाब के लिए भाग रहा था। इसकी सूचना तत्काल पुलिस कप्तान जिला जशपुर शशि मोहन सिंह को प्राप्त हुई, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल साइबर सेल के सहयोग से जिला बलरामपुर वाड्रफ नगर के पास घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। जशपुर पुलिस के द्वारा फरार आरोपियों के विरुद्ध धरपकड़ का अभियान चल रहा है, जिसके तहत 3 साल पहले अगस्त महीने में 2021 में आस्था थाने क्षेत्र में बहन ने रिपोर्ट लिखाया कि उसके भाई के द्वारा पारिवारिक विवाद में उसके ऊपर तलवार से प्राणघातक प्रहार किया गया था। इस पर संबंधित धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और तब से ये आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वाड्रफ नगर में ये आया हुआ है। यहाँ से हमारी टीम गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसे माननीय न्यायालय के द्वारा न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और पुलिस के ये जो अभियान है कि लंबित मामलों के फरार आरोपियों के खिलाफ, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह के फरार आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए।